बीजेपी नेता हरिओम पांडे ने 7 दिसंबर को एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में पहले साहित्य सम्मेलन की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत कुरान की आयतें पढ़कर होने लगी हैं। और भी कई लोगों ने ये तस्वीर शेयर करते हुए यही दावा किया। पश्चिम बंगाल के शंकराचार्य गुरुकुल की प्रेसिडेंट अर्पिता चटर्जी ने भी ये तस्वीर शेयर करते हुए यही दावा किया। इस ट्वीट को लगभग 5000 लाइक्स मिले। लेकिन क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये नई प्रथा शुरू की है? तस्वीर में सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड दिख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर जब हमने कीवर्ड सर्च किया, हमें यूट्यूब पर एक वेरीफाइड चैनल आपका प्रहार टाइम्स की रिपोर्ट मिली। इस वीडियो रिपोर्ट में वायरल तस्वीर से मिलता जुलता वीडियो भी है। रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी पार्टी के कलवा मुमरार विधानसभा अध्यक्ष समीम खान के बेटे की शादी में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले शामिल हुई थी। वही इसी तरह से एनसीपी पार्टी के कलवा मुमरार विधानसभा अध्यक्ष समीम खान की बेटी सना और बेटे समीर की शादी में एनसीपी पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी शामिल हुई थी। और जब निकाह हुआ उस वक्त इस निकाह को खुद सुप्रिया सुले ने अपने फेसबुक पेज से लाइव किया था। शायद ये पहला मर्तबा था जो सुप्रिया सुले ने किसी निकाह को अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया हो। आप भी देखें ये वीडियो। सुप्रिया सुले ने 4 दिसंबर को इस निकाह के दौरान एक फेसबुक लाइव किया था, यानी ये तस्वीर किसी साहित्य सम्मेलन की नहीं बल्कि एक निकाह के दौरान ली गई थी, जिसे बीजेपी नेता सहित कई लोगों ने गलत दावे के साथ शेयर किया। धन्यवाद।